आज के इस क्लास में हम लोग पास्कल त्रिभुज की सहायता से सर्व संख्या निकालना सीखेंगे, जिसमें a प्लस बी की एक घात, a प्लस बी की दो घात, a प्लस बी की तीन घात, a प्लस बी की चार घात, a प्लस बी की पांच घात, छह घात, इस तरह से और आगे भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पास्कल त्रिभुज का की संरचना करते हैं, और इसकी संरचना करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि अब देखते जाएं, यहाँ एक लिखते हैं, और ध्यान रहे एक लाइन की अगली लाइन की जोड़ अगली लाइन में आती है, तो यहाँ और किसी की जोड़ नहीं है तो यहाँ एक हो जाएगा, और यहाँ किसी की जोड़ नहीं है तो इसलिए एक हो जाएगा। अब इसकी अगली लाइन देखें, त्रिभुज की रचना ये हो रही है, तो एक और एक मिलकर के यहाँ आया दो, और फिर इसके साथ कोई किसी त्रिभुज की रचना नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ किसी त्रिभुज की रचना नहीं हो रही है, केवल एक लिखा जाएगा, मिलकर एक, और यहाँ भी किसी त्रिभुज की रचना नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ लिखा एक। देखें यह और यह मिलकर के एक और दो मिलकर के तीन, यहाँ देखें दो और एक मिलकर के तीन, और यहाँ किसी त्रिभुज का चला नहीं हो रही है इसलिए यह हो जाएगा एक, और यहाँ भी किसी त्रिभुज का चला नहीं हो रही है, यह इसकी जोड़ आगे नीचे वाली लाइन में तीन और एक मिलकर के चार, तीन और तीन मिलकर के छह, तीन और एक मिलकर के चार, और यह हो गया एक। इसी तरह से आगे भी, यहाँ किसी के नहीं हो रहा है इसलिए एक, यह एक और चार मिलकर के पांच, चार और छह मिलकर के दस, छह और चार मिलकर के दस, और चार और एक मिलकर के पांच, और यहाँ किसी के रचना नहीं हो रही इसलिए एक, यहाँ भी एक। इस तरह से हम आगे त्रिभुज बढ़ाते जाएंगे, यह एक त्रिभुज की रचना होती है। और आप देखें, हम जब सर्व संख्या का विस्तार करते हैं तो यह घात जीरो के लिए, यह घात एक के लिए, यह घात दो के लिए, और यह घात तीन के लिए, यह घात चार के लिए, यह घात पांच के लिए। यह पदों की संख्या बताती है, और साथ साथ इसमें एक पद, इसमें एक दो पद, घात एक में दो पद, घात दो में एक दो तीन पद, घात तीन में एक दो तीन चार पद, घात चार में एक दो तीन चार पांच पद, इसी तरह घात छह में एक दो तीन चार पांच छह सात पद। पदों की संख्या बताती है, और साथ साथ यह गुणांक बताता है कि इसका गुणांक एक होगा, इसमें एक और एक होगा, इसमें एक दो एक, इसमें एक तीन तीन एक, इस तरह से होगा। हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं और लिखते हैं। यह एक और इसमें नियम है कि हम लोग ए के घात अधिकतम घात से बढ़ेंगे घटेंगे, और बी की घात से बढ़ेंगे, ए की घात घटते हुए क्रम में और बी की घात बढ़ते हुए क्रम में। पहले वाले में लिखते हैं ए प्लस बी की घात जीरो, इस पर चर्चा करते हैं। घात जीरो है तो ए की बड़ी घात, इसमें पद कितना है, पद को एक बोल रहा है एक, तो एक की बड़ी घात
जीरो और बी की बड़ी घात जीरो और किसी भी घात जीरो होने पर उसका मान एक। आइए इस पर चर्चा करें। ए प्लस बी घाते एक पर इसमें दो पद हैं जिनके गुणांक एक और एक है, एक और एक गुणांक है। ए की बड़ी घात एक है तो ए की घटते हुए क्रम में ए एक हो गया और बी यहाँ बढ़ते हुए क्रम में जीरो शुरू करेंगे, ए वन और बी जीरो, और यहाँ ए की घात एक कम कर देंगे जीरो और बी की एक घात बढ़ जाएगी। आगे देखें, जिसकी घात जीरो होती है उसका मान एक हो गया, यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया बी। घात दो के लिए देखें, ए प्लस बी घाते दो। यहाँ पहले पदों की संख्या देखें, एक दो तीन, तीन पद हो रहे हैं और तीन पदों में पहले का गुणांक एक, दूसरे का दो, तीसरे का एक, एक दो और एक पद। गुणांक देखें, यहाँ ए एक का गुणांक है, एक अधिकतम घात दो है तो ए घाते दो और बी घाते जीरो, यहाँ ए की घात कम कर दीजिए, ए घाते एक, बी घाते एक, ए घाते जीरो, बी घाते दो। फिर से इसको तोड़ लीजिए, यहाँ बी की घात जीरो है इसलिए इसका मान एक हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए की घात जीरो है इसका मान एक हो जाएगा इसलिए हो जाएगा बी स्क्वायर। हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए हम तीसरे वाले पर चलते हैं जहाँ घात तीन है, तो ए प्लस और ए प्लस बी घाते तीन। इसके लिए एक दो तीन चार पद आएंगे और चार पदों में पहले का गुणांक एक, दूसरे का तीन, तीसरे का तीन और चौथे का एक। सबसे बड़ी घात चार है तो ए की सबसे बड़ी घात चार लिखते हैं, बी की घात जीरो, सॉरी तीन है, सबसे बड़ी घात तीन है इसलिए इसकी घात तीन, बी की घात जीरो, ए की घात एक कम करिए दो, बी की एक घात बढ़ा लीजिए। ए की एक घात कम करके एक और बी की एक घात बढ़ा दीजिए और ए की एक घात कम करिए जीरो, बी की एक घात। फिर से कीजिए, सल कीजिए, बी की जीरो घात एक हो गया इसलिए इसका पूरा मान ए क्यूब, यहाँ थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इन दोनों पदों में से थ्री ए बी कॉमन ले लीजिए बराबर ए क्यूब प्लस थ्री ए बी कॉमन हो गया, यहाँ बचा ए और यहाँ बचा बी प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब हम आते हैं a प्लस बी की घात चार। a प्लस बी की पावर फोर, पावर फोर में देखें कितने पद हैं, एक दो तीन चार पांच पद होंगे और जिनके गुणांक टर्म्स हैं एक चार छः चार और एक। सबसे बड़ी घात
घात चार है, तो ए की पावर चार और बी की पावर जीरो। आगे में ए की पावर तीन, एक कम कर दीजिए, बी की एक पावर बढ़ा दीजिए एक, ए की पावर एक घटा दीजिए दो और बी की पावर एक बढ़ा दीजिए दो, ए की पावर एक घटाइए एक और बी की पावर एक बढ़ा दीजिए, और ए की पावर एक और घटा दीजिए, यहाँ हो गया जीरो और बी पावर फोर। चूँकि बी की पावर जीरो होने पर यहाँ मान एक हो गया, ए पावर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी पावर फोर। इनमें से टू ए बी कॉमन ले लिया जाए, ए स्क्वायर ए पावर फोर प्लस टू ए बी, यहाँ ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस टू बी स्क्वायर और प्लस बी पावर फोर। इस तरह से हम ए घाते ए प्लस बी का पावर फोर फाइव पावर सिक्स पावर सेवन करके हम बड़े आसानी से पास्कल त्रिभुज की सहायता से सब संख्या निकाल सकते हैं।